बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस फुल एडर सर्किट विद एक्सप्लेन लॉजिकल एक्सप्रेशंस। सबसे पहले हम एडर की डेफिनेशन और यूजेज को डिस्कस करेंगे, देन फुल एडर डिजाइनिंग के जो डिफरेंट स्टेप्स हैं लाइक ट्रुथ टेबल, के मैप, लॉजिकल एक्सप्रेशन एंड लॉजिक डायग्राम को मैं वन बाई वन डिस्कस करना। एडर क्या है बेसिकली? इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इन An adder is a digital circuit that perform addition of numbers. Adders जो इसके नेम से क्लियर है कि ये एडिशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं डिजिटल सर्किट्स के अंदर, और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स जो हैं कंप्यूटर्स के अंदर और डिफरेंट जो प्रोसेसर्स हैं डिवाइसेस के, जिनमें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, ये जो है बेसिक ऑपरेशंस है, तो हम एड्रेस को हम इसमें यूज़ करते हैं। बेसिकली इसकी दो टाइप्स हैं, हाफ एडर और फुल एडर। तो इस लेक्चर में हम फुल एडर को डिस्कस करेंगे। हाफ एडर के लिए हम प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। हाफ एडर डिजाइनिंग बेसिकली फोर स्टेप्स हैं। फर्स्ट हमने इनपुट्स आउटपुट वेरिएबल्स को डिफाइन करना होता है, उसके बाद हम ट्रुथ टेबल ड्रा करते हैं, देन के मैप को ड्रा करते हैं, के मैप से फिर हम लॉजिकल एक्सप्रेशन ड्रा करते हैं और एंड में लॉजिक डायग्राम ड्रा करते हैं। फुल एडर इज अ कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। ये कम्बिनेशनल सर्किट्स की टाइप है फुल एडर, और इसको हम टू सिंगल बिट विद कैरी, तो थ्री बिट्स की एडिशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। इस तरीके से फुल एडर्स की जो है थ्री इनपुट्स होते हैं हमारे पास, ए बी और ये प्रीवियस जो है ये कैरी हम यूज कर रहे होते हैं। इसको हम प्रीवियस कैरी इसलिए कह रहे हैं, जब हम इसके लॉजिक डायग्राम को डिस्कस करेंगे तो इसको भी क्लियर हो जाएगा। बेसिकली फुल एडर जो है वो दो हाफ एडर को कनेक्ट करके हमने बनाया होता है, उसमें जो कैरी होता है प्रीवियस, वो हम सेकेंड हाफ एडर को एज ए इनपुट यूज़ कर रहे होते हैं, इसलिए फुल एडर में हम थ्री इनपुट्स को यूज़ करते हैं। इस तरीके से जो इसकी आउटपुट्स हैं वो दो होती हैं, सम एंड कैरी। कैरी को हम सम कम इसको सी आउट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सी एन यूज़ हो रहा है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसको सेकंड कैरी जो है ये इसको हम सी आउट कर देते हैं। तो इनपुट वेरिएबल हम ए बी डिफाइन कर लेते हैं, और सी एन जो है प्रीवियस कैरी, और इस तरीके से ये सम और ये सी आउट दो वेरिएबल्स ये भी हमने डिफाइन कर लिए। तो अब हम आते हैं इसके ट्रुथ टेबल के ऊपर। तो इसके लिए हमें बाइनरी एडिशन का आइडिया होना चाहिए कि थ्री बिट्स को हमें कैसे ऐड करना है। फर्स्ट हमने टू बिट्स को ऐड करना है, और उसका जो आंसर आएगा उसको हम थर्ड बिट में ऐड करेंगे। जैसे लाइक 0+0 सम 0 आएगा, अगेन 0+0 0, तो इसमें सम भी 0 है, कैरी भी 0 है। इस तरीके से नेक्स्ट 0+0 अगेन 0+1, तो इसमें सम 1 है, कैरी 0 है। इस तरीके से 0+1 1+0, तो इसमें भी सम 1 होगा और कैरी 0 होगा। अगेन 0+1 अगेन 1+1 1+1 जब करेंगे तो इसको सम 0 हो जाएगा, कैरी 1 आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट केस में 1+0+0 है, इसमें भी सम 1 कैरी 0, अगेन इसमें 2 वंस हैं तो इसमें सम 0 हो जाएगा, कैरी 1। सिमिलरली इस केस में भी और थर्ड में भी 1+1 0 हो जाएगा, 0+1 अगेन ये 1 हो जाएगा और कैरी 1 आ जाएगा। इस तरीके से हम ये टेबल में इन तीनों वैल्यूज़ जो है ए बी सी एन इनपुट्स हैं, इनको यहाँ पे सम करके इस कॉलम में लिख लेंगे और कैरी को इस कॉलम में। तो नेक्स्ट फिर हम इससे के मैप ड्रॉ करेंगे। जो सम के लिए हमारे पास 4 वंस थे, तो हमने यहाँ पे एक ये कॉम्प्लीमेंट है, और नेक्स्ट यहाँ पे बी और सी इनकी वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे हमने लिख लिया। इसके लिए आप के मैप का, अगर आपको नहीं आइडिया इसका कैसे ड्रॉ करते हैं, तो इसलिए आप के मैप का लेक्चर देख सकते हैं। तो नंबर ऑफ वंस हमने रिस्पेक्टेड इसके लिए जो रिस्पेक्टिव कॉलम्स हैं के मैप के अंदर, उसमें हम इस वंस को पुट कर देंगे। और इसके लिए हम ये जो फर्स्ट लॉजिकल एक्सप्रेशन है ये हम लिख लेंगे। तो फर्स्ट वन है एक ये वाला, इसमें ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी एन, यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट और ये बी कॉम्प्लीमेंट सी एन, तो ये फर्स्ट टर्म आ जाएगी हमारे पास इस तरीके से, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट बी सी एन कॉम्प्लीमेंट, ये सेकेंड टर्म आ जाएगी इस तरीके से, यहाँ से ए बी कॉम्प्लीमेंट सी एन कॉम्प्लीमेंट ये थर्ड, और इस तरीके से ये लास्ट वन ए बी सी एन ये हमारे पास आ जाएगा। तो फर्दर हमने इसको सिंप्लीफाई करना है,
इसको एज इट इज भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे टू द एक्स और एक्सप्रेशन। तो इसमें मिनिमम गेट हम यूज़ करेंगे। तो इसमें से सी एन कॉमन है फर्स्ट में और फोर्थ टर्म में, तो ये हमारे पास ए बी इसका कॉम्प्लीमेंट आया प्लस ए बी आ जाएगा। इस तरीके से ये सी एन कॉम्प्लीमेंट, ये कॉमन है सेकेंड और थर्ड में, तो ये हमारे पास टर्म आ जाएगी। तो ये बेसिकली क्या है टर्म, ये एक्सक्लूसिव नॉर गेट का एक्सप्रेशन है और ये एक्सक्लूसिव और गेट का एक्सप्रेशन है। तो ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होते हैं। इस तरीके से एक्सक्लूसिव नॉर को हम ए एक्स और का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, तो ये इसके इक्वल है। इस तरीके से नेक्स्ट ये एक्स और बी आ जाएगा। अगेन ये सी एन है, ये सी एन का कॉम्प्लीमेंट है और ये ए एक्स और बी का कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पर, और यहाँ पर सिंपल एक्स और बी है। जनरली ये इस फॉर्म में है ये, तो हम इसको एक्स और के फॉर्म में लिख सकते हैं एज ए होल इसको। तो एक्स और जो है क्या होता है, इन सर्कल प्लस साइन यूज करके हम एक्स और एक्सप्रेशन इस तरह लिख सकते हैं इसको। तो नेक्स्ट इस तरीके से हम सी आउट जो कैरी है उसकी एक्सप्रेशन ड्रॉ करने के लिए हम के मैप यूज़ करेंगे। तो इसमें तीन लूप्स बन रही हैं, एक ये लूप बन रही है, एक ये थर्ड वाली है। तो इस तरीके से हम यहाँ से इक्वेशन लिख लेंगे इसकी उसी लूप को यूज़ करके। फॉर एग्जांपल ये वाला लूप हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ से ए आएगा हमारे पास और इधर ये हमारे पास सी एन कॉमन आ रहा है, ये ए सी एन ये मिडिल टर्म आ जाएगी। और यहाँ से ये ए ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और बी सी एन ये जो सेकंड लूप है यहाँ पे बी सी एन आ जाएगा। और ये जो लास्ट में है इसमें आएगा ए, और यहाँ पे अगर हम देखें तो बी कॉमन है इसमें, तो ये ए बी आ जाएगा फर्स्ट। तो इसको हम भी सिंप्लीफाई कर लेंगे अगेन, ये ए सी एन यहाँ से कॉमन है, इस तरह बी सी एन जो है यहाँ पे कॉमन आएगा। पहले हमने क्या करना है, इसमें मिसिंग वेरिएबल्स जो हैं वो हमने कंप्लीट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें बी मिसिंग है, इसमें ए मिसिंग है, तो हम मिसिंग वेरिएबल्स के लिए क्या करते हैं, बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें ए मिसिंग है तो इसमें ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये वन के इक्वल होता है, तो वन मल्टीप्लाई करने से इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ पर, और यहाँ से ए बी कॉमन लेंगे तो ये वन प्लस सी एन सी एन आ जाएगा। तो वन है इसके अंदर कॉन्स्टेंट है, तो ये बेसिकली वन के इक्वल आ जाएगा होल टर्म, तो ये ए बी आ जाएगी। और नेक्स्ट हम ये एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे, ए बी एज इट इज़ आएगा और इसमें से सी एन कॉमन है, तो हमारे पास ये फाइनल एक्स और गेट की फॉर्म में ही आ जाएगी। तो ये हमारे पास कैरी की इक्वेशन आ जाएगी। इस तरीके से हमारे पास सम की इक्वेशन अभी आ गई है, कैरी भी है और की इक्वेशन भी आ गई है, ये एक्स और की फॉर्म में आई है। दोनों जनरली यूज़ होती हैं ये, लेकिन इसकी और भी फॉर्म हो सकती है, मल्टीपल फॉर्म है इसको, लॉजिकल जो डायग्राम है वो ड्रा हो सकती है, इसको सिंप्लीफाई करने के डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। तो हमने ये वाला मेथड यूज़ किया सिंपली, जिसमें हम एक्स और गेट की फॉर्म में ड्रा कर सकें कैलकुलेटर। तो इस तरीके से हम सी एन ए एक्स और बी ये इनका एक्स और इक्वेशन करना है। तो यहाँ से हमारे पास ए एक्स और बी आ जाएगा, ए एक्स और बी की एक इनपुट नेक्स्ट सेकेंड एक्स और गेट की आएगी, और इस तरीके से यहाँ से हम सी एन थर्ड एक्स और गेट, तो ये हमारे पास इस तरह सम की इक्वेशन आ जाएगी। कैरी के लिए हमें ए बी चाहिए, ए बी यहाँ से आ जाएगा फर्स्ट जो हाफ एडर है जिसको हमने डैश लिए लाइन से इसको सर्कल किया हुआ है, सॉरी मेंशन किया इसको। तो इसकी इनपुट एक ये ए बी यहाँ से आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से ए एक्स और बी यहाँ से आ जाएगा और ये साथ सी एन एंड हो जाएगा। तो ये जो सेकंड टर्म है वो ये इसके आउटपुट है, तो इन दोनों को हम और करेंगे तो ये हमारे पास सम सॉरी कैरी की इक्वेशन है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दो बेसिकली हाफ एडर है, एक हाफ एडर ये है, सेकंड हाफ एडर ये है। तो इसमें दो हाफ एडर को यूज़ करके हमने फुल एडर ड्रॉ कर लिया, और जो थर्ड इनपुट थी कैरी प्रीवियस हाफ एडर की वो भी हमने इंक्लूड कर ली है इसमें। तो इस तरीके से हम फुल एडर ड्रॉ कर सकते हैं।